हे गाइस, अब हम बनाएंगे चौलाई के और तिल के लड्डू। तो उसके लिए मैंने जो चौलाई है उनको साफ़ कर लिया है अच्छे से, और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। हमें बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और एक पाव चौलाई है ये, इसको भूनेंगे हम इसको अलग अलग बैच में भूनेंगे। इसको एक साथ कढ़ाई में नहीं डालती है, नहीं तो ये फूटेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं। तो लगभग एक एक मुट्ठी करके मैं इनको भूनती रहूँगी। तो चलिए कढ़ाई में डाल देते हैं हम एक मुट्ठी चौलाई। सो गाइस, मैंने कढ़ाई में एक मुट्ठी चौलाई डाल दी है। इसको ऐसे भूनते रहना है और जब ये ज़्यादा ही उड़ने लगे तो हमें इसे ढक देना है, नहीं तो ये पूरा बाहर पूरे गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे हमें इन्हें चलाते रहना है, बिल्कुल चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएंगे। देखिए गाइस, ये फूटने लग गए हैं, खिलने लग गए हैं, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, बट ये वाइट वाइट होने लग गए हैं। तो गाइस, जब तक ये ऐसे चट 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 करते रहे हमें तब तक भूनना है। जब ये चट चट करना बंद कर दे तो हमें निकाल देना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो गाइस, ये हमारा सेकंड बैच है और ये भी फूटने लग गया है। सो गाइज, हमने चौलाई को भून दिया है। एक पाव चौलाई को भूनने में मैंने इनको 8 से 10 बैचों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके इनको भूना है। तो ये अच्छे खिल गए हैं। वैसे ही मैं ये तेल है, अब मैं इन तेल को भी, ये आधा किलो तेल है और इन तेल को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके भून लेती हूँ। सो गाइज, मैंने कढ़ाई में लगभग 2 मुट्ठी के करीब इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इनको भी हम भून लेते हैं। तो गाइस, तिल भी चटकने लग गए हैं और ये हल्का 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 सा लाइटिश ब्राउन कलर का हो गया है। आपको ये आवाज़ आ रही होगी, जब ये आवाज़ आना बंद हो जाए समझ जाइए कि तिल भून गए हैं। और ये देखिए कैसे उड़ रहे हैं। सो गाइस, मैंने तिल भून के इसमें निकाल दिया है। आप देख सकते होंगे कि भुने हुए तिल का कलर कैसा है और नहीं भुने हुए तिल का कलर कैसा है। सो देखिए, ये सेकंड बैच है हमारा, इसको भी मैं भून रही हूँ। देखिए मिट्ठू ने क्या कर दिया है, और ये तेल उड़ उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, पूरा इधर गंदा हो गया है। मिट्ठू भी तेल खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। हाय मिट्ठू। सो ये चौलाई ऐसे अच्छे से भुन गया है। अब इसी सेम कढ़ाई में, ये गर्म है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड़ डाल देंगे लगभग आधा किलो। सो गाइस, मैं इस कढ़ाई में पानी डाल रही हूँ लगभग 1 गिलास। सो गाइस, मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिए हैं आधा किलो। अब मैं इनको सो गाइस, ये मेल्ट हो गए हैं गुड़, इसमें लगभग 5 मिनट में लग गए हैं इनको मेल्ट होने में।
सो अब हम इनको दो तार की चाशनी तक इसे पका लेते हैं। गाइस लगभग 10 मिनट हो गए हैं और इसमें एक तार बनने लग गया है, आप देख लीजिए कैसा हो गया है। ये देखिए बस अब इसकी दो तार बनने ही वाली है, सो दो मिनट और पका लेते हैं इसको हम। सो गाइस देखिए ये कितना फ्लफ़ी हो गया है और ये देखिए ऐसा हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये लड्डू बनने के लिए सही है। सो इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़वे लगने लग जाएंगे, इतना ही पकाना है। ये देखिए अब इनको हम मिठू सो अब इनको हम इस तिल के ऊपर डाल देंगे इनको। सो गाइस मैंने इसमें डाल दिया है और मैं स्पून से इसको मिक्स कर दूंगी ऐसे। सो गाइस मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया है, मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, तीन लड्डू बन गए हैं। सो गाइस मैंने चौलाई में भी गुड़ डाल दिया है, मैं इसके लड्डू भी बना रही हूँ। सो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद लड्डू बन गए हैं, शेप थोड़ा सा अजीब सा बना है क्योंकि मैं अकेले बना रही थी और वो बन नहीं पा रहे थे, तो अकेले नहीं बनते हैं, दो तीन लोग चाहिए होते हैं, तो शेप को अगर इग्नोर करें तो जो लड्डू है वो काफ़ी टेस्टी बने हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सो होप गाइस आपको मेरे लड्डू पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।